आज हम कराची के इलाके गुलशन इकबाल में केडीए मार्केट में मौजूद हैं। केडीए मार्केट की दूसरी जानिब यहाँ पे मशहूर और मारूफ मामू चना पुलाव वाले हैं। यहाँ काफ़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं इस वक्त और काफ़ी रश लगा हुआ है। पुलाव हासिल करने के लिए आपको कतार में लगना पड़ता है, तब जाके आपको यहाँ पुलाव मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केडीए मार्केट में मौजूद है गुलशन इकबाल में। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर पुलाव मिलता है, तो यहाँ हमारे काफ़ी लोग जो है यहाँ आसपास बैठे हुए हैं और बड़े शौक से खा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि भाई इसका क्या वजह है कि आप लोग यहाँ पे आके ये टेस्ट कर रहे हो, खा रहे हो, आप बताएंगे ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर, हम तो पहले एक मर्तबा आए और जब हम यहाँ आए तो हमें इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। इनकी यहाँ की जो पुलाव है बहुत मज़े की है, और उसके बाद हम यहीं करीब में कंपनी में हम लोग जॉब करते हैं, और हम हर जुम्मे के जुम्मे हमें जो हाफ डे मिलता है उसमें जो है ना हम आकर यहाँ अपना खाना वगैरह खाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से अच्छी कोई जगह और अच्छी हमें मिली नहीं है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका टेस्ट है, बहुत अच्छी जगह है ये। अच्छा, यहाँ पे सारे तकरीबन वर्कर आके खाते हैं और इनका रेट बड़ा मुनासिब है और अच्छा खाना है। तो पुलाव बहुत ज़बरदस्त है, चना पुलाव, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हर किस्म के छोटे बड़े लोग खा सकते हैं और बड़ा बेहतरीन पुलाव है। तो भाई से हम पूछते हैं कि आपको कैसा लगा? सर जी, हमें तो बहुत अच्छा लगा। और आपको भाई? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन। आवाम के दिन व दिन बढ़ते रश की वजह से मज़ीद एक ब्रांच बनाई गई है, जहाँ पे चना पुलाव के साथ चिकन पुलाव और बीफ पुलाव भी अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर खोकर है मामू चना पुलाव की तरफ से। सुबह 11 बजे आ जाते हैं, हमारे पास चना पुलाव होते हैं, चिकन पुलाव होते हैं, बीफ पुलाव भी होता है। तकरीबन शाम को 5 बजे तक खुला रहते हैं। बहुत ही अच्छा जायका है। गुलशन इकबाल केडीए मार्केट ब्लॉक 3 हमारे एड्रेस है, आप आएँ कभी चेक करें। बहुत ही सस्ता पुलाव, 50 रुपये की प्लेट है। चना पुलाव तकरीबन एक बंदा पेट भर के खा लेता है। बीफ पुलाव 130 रुपये की प्लेट है। चिकन पुलाव भी होते हैं अपने पास, 100 रुपये की प्लेट होती है। बीफ बछिया का, प्योर बछिया का गोश्त होता है हमारे पास, अच्छा जायकेदार होता है, लजीज। ये प्लेट जो बना रहा हूँ ना मैं, ये 130 की प्लेट है ये जो बना रहा हूँ ना मैं। इसमें 3 बोटी डाली जाती है, फिर प्याज डाले जाते हैं, इसके साथ रायता भी होता है। ये रायता अलग से 10 रुपये चार्जेस हैं इसके। हमारे पास पार्सल का ख़ास इंतज़ाम है, बॉक्स में भी हम पार्सल करके देते हैं और पैकेट में भी पार्सल करके देते हैं। ये पैकेट बनाया हुआ है मैंने 130 का, जिसका वेट है 375 ग्राम। ये हम 130 रुपये की दे रहे हैं, आधे किलो की है, आधे किलो 180 रुपये की है।